नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर करियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सॉल्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 10 मिनट का है। स्टार्ट, त्याग और सेवा की सजीव मूर्ति भारतीय नारी की दशा अत्यंत दयनीय है। समाज में उसे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। उसे पुरुष के समान स्तर पर नहीं रखा गया है। स्वाधीनता का अर्थ वह जानती ही नहीं। विवाह के पूर्व पिता की, विवाह के पश्चात पति की तथा वृद्धावस्था में पुत्र की अधीनता में रहकर उसे जीवन यापन करना पड़ता है। स्वतंत्र वायुमंडल में सांस लेना उसके भाग्य में कहाँ लिखा है। पुरुष ने नारी के प्रति अनेक अत्याचार किए हैं, उसे उचित अधिकार नहीं दिए गए हैं, ना उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और न सुशिक्षा प्राप्त करने का। इसके लिए पिता की आज्ञा अनिवार्य है। समाज ने नारी को कड़े बंधनों में जकड़ दिया है। आज नारी अनेक कुपरंपराओं एवं कुप्रथाओं की शिकार है। दहेज प्रथा नारी के लिए अभिशाप है। सामाजिक परंपरा के अनुसार कन्या के माता पिता द्वारा वर के माता पिता को धन संपत्ति आदि देनी पड़ती है। दहेज को वर का मूल्य कहना अतियुक्ति नहीं होगी। सुयोग्य वर की प्राप्ति हेतु कन्या के माता पिता यथाशक्ति अधिक से अधिक दहेज देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वर के माता पिता संतुष्ट नहीं होते और दिए गए दहेज से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जो वधु वांछित दहेज लेकर नहीं आती, उसे ससुराल में सास ननद के ताने एवं अपशब्द सुनने पड़ते हैं। यही नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। माता पिता के स्नेह एवं दुलार के स्थान पर वधु को सास ससुर की घृणा एवं तिरस्कार की प्राप्ति होती है। पति भी उससे रूठा रहता है। वह
छटपटाने लगती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है। इस व्यथा से मुक्त होने के लिए वह अपने जीवन का अंत तक कर डालती है। वह ससुराल की यातनाओं से ऊब कर आत्महत्या कर लेती है। दहेज दानव पर प्राणों की बलि चढ़ा देती है। यदि कोई वधु ससुराल की यातनाओं को पतिव्रत धर्म के नाते सहन करती हुई और अपना दुर्भाग्य समझकर जीवन यापन करती है तो उसके ससुराल वाले कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर डालते हैं। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम वधु को ही नहीं उसके माता पिता को भी भुगतने पड़ते हैं। वर के माता पिता की मांग की पूर्ति हेतु पैसा जुटाने के लिए वे भरसक प्रयास करते हैं, जिससे वे ऋणग्रस्त तक हो जाते हैं। वे अपनी बचत का सारा पैसा खपा देते हैं और जीवन भर दीन दुखी बने रहते हैं। दहेज प्रथा का दुष्परिणाम अनमेल विवाह भी है। दहेज देने में असमर्थ व्यक्तियों को अपनी पुत्रियों का विवाह वृद्ध पुरुषों अथवा विकलांगों के साथ करना पड़ता है। इस कुप्रथा से समाज में अनैतिकता भी फैलती है। लोग जब अपनी बेटियों का विवाह बड़ी उम्र होने तक नहीं कर पाते तब वे कभी कभी काम वासना का शिकार होकर अनैतिकता का सहारा लेती है। इससे समाज में व्यभिचार फैलता है। अनेक लड़कियों को दहेज के कारण जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ता है। दहेज की कुप्रथा का अंत होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं। पारस्परिक प्रेम पर आधारित विवाहों में भी दहेज की बाधा उपस्थित नहीं होती है। नारी की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी दहेज की समाप्ति में सहायक है। कमाऊ लड़की के लिए प्राय दहेज का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। वह स्वयं ही दहेज होती है। उसको प्राप्त करने के लिए सभी हाथ बढ़ाते हैं। यद्यपि सरकार ने दहेज के विरुद्ध कानून बनाया है, तथापि वह प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है। इस कानून में कड़े दंड विधान की आवश्यकता है। दहेज प्रथा के विरुद्ध नारी आंदोलन भी होना चाहिए। दहेज की कुप्रथा को तभी जड़ से उखाड़ा जा सकता है जब सामाजिक स्तर पर जागृति अभियान चलाया जाए। इसके कार्यकर्ता अगर इसके भुक्तभोगी लोग हों तो यह प्रथा यथाशीघ्र समाप्त हो सकती है। यदि सरकार के साथ साथ समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान छेड़ दे तो इसका अंत होने में विलंब नहीं होगा। दूरदर्शन, सिनेमा, रेडियो आदि प्रचार माध्यम दहेज विरोधी कार्यक्रम चलाकर इसका अंत करने में सहायक सिद्ध
हो सकते हैं। इसके अंत से ही समाज नारी की दुर्गति से मुक्त होगा, राष्ट्र में सुख शांति का संचार होगा तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। दहेज प्रथा पूरे समाज में व्याप्त वास्तविक समस्या है, जो समाज द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित और प्रोत्साहित की जाती है और आने वाले समय में भी इस समस्या के सुधरने की कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आती। भौतिकतावाद लोगों के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति है और आधुनिक जीवन शैली और आराम की खोज में लोग अपनी पत्नी और बहुओं को जलाकर मारने की हद तक जाने को तैयार हैं। अब उम्मीद की किरण केवल नई पीढ़ी के लड़कों और लड़कियों में दिखाई देती है, जो शिक्षित और आधुनिक सोच रखते हैं। उन्हें सामने आकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए।